सरकारी इदारों और मीडिया के दरमियान पुल का किरदार अदा करने वाले डिविजनल सुपरिटेंडेंट महकमा तालुकात आमा राव तारिक महमूद अपनी मुद्दत मुलाजमत की तकमील पर रिटायर हो गए। अलविदाई तकरीब में अहम अफराद की खसूसी शिरकत ढेरों दुआओं और तहाइफ के साथ रुखसत कर दिया गया। मुद्दत मुलाजमत की तकमील पर फ़राइज़ से सबक दोश होने वाले सुपरिटेंडेंट महकमा तालुकात आमा राव मोहम्मद तारिक के एजाज़ में सर्किट हाउस में तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें डायरेक्टर इंफॉर्मेशन शहजाद अहमद विर्क, डिप्टी डायरेक्टर DGP और ऑफिस मकबूल मलिक, डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन ऑफिसर खुशाब चौधरी कासिम रांझा, असिस्टेंट मोहम्मद जब्बार के अलावा डिवीज़न भर से महकमा तालुकात आमा के अफसरान जुमला मुलाजमीन ने शिरकत की। तकरीब से खिताब करते हुए मुकर्ररीन ने दयानतदारी और फर्ज शनासी से अपनी उम्र अजीज़ के 38 साल महकमा में गुजारते हुए आने वालों के लिए मंजिलों के निशान छोड़ते और रोशन मिसाल कायम करने पर रिटायर होने वाले सुपरिटेंडेंट तारिक महमूद को खराज तहसीन पेश किया। तकरीब से खिताब करते हुए राव तारिक महमूद ने महकमा में गुजरने वाले उम्र अजीज़ के एक तवील अरसा में होने वाले तजर्बात और भोली बिसरी यादों का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि ज़िंदगी का हर आने वाला दिन आपकी उम्र को बढ़ाने के बजाय दरअसल कम करने का बायस बनता है, और इस अटल हकीकत से तो सभी वाकिफ़ हैं कि गुजरा हुआ वक्त कभी वापस नहीं आता। इसलिए हमें चाहिए कि हम हर कदम पर मोहब्बतों के फूल खिलाते जाएँ, ताकि हमारे बाद आने वाले हमें अच्छे अल्फाज में याद करें और हम लोगों के दिलों में ज़िंदा रह सकें। उन्होंने कहा, अगर हम समझ सकें तो इस दारे फ़ानी में गुजरने वाले ज़िंदगी का यही खुलासा है और बाकी सब कुछ यहीं रह जाना है, और ठीक एक सदी बाद यहाँ और लोग आबाद होंगे जिन्हें शायद हमारे बारे में कुछ ख़ास इल्म ही ना होगा।